वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। आज की वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा एनआरओ टेलीविज़न के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि एनआरओ टेलीविज़न पहले इंडिया कास्ट के साथ काम किया करता था, यानी कि इंडिया कास्ट ब्रॉडकास्टर ही एनआरओ के चैनल्स एमएसओ और डीटीएच को प्रोवाइड कराता था। तो आज की वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ अपडेट है जो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों बता दूँ, एनआरओ टेलीविज़न जनरली साउथ के चैनल्स दिखाता है, जैसे कि ईटीवी आंध्र प्रदेश, ईटीवी तेलुगू, ईटीवी तमिल जैसे चैनल्स जो है एनआरओ टेलीविज़न के तहत चलाया जाता है। और इन चैनलों का जो डिस्ट्रीब्यूशन था इंडिया कास्ट के पास ही था, यानी कि इंडिया कास्ट के चैनल साथ ही एनआरओ के साथ ही टर्नर के चैनल्स का रिपोर्टिंग भी लेते थे, साथ ही इनके जो भी सपोर्ट से वो दिया करते थे। बता दूँ दोस्तों कि एनआरओ टेलीविज़न पिछले मंथ इंडिया कास्ट से सेपरेट हो चुका है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन पहले इंडिया कास्ट के पास था अब एनआरओ इन हाउस कर लिया है। एनआरओ टेलीविज़न अब खुद ही करेगा। जो पहले रिपोर्टिंग इंडिया कास्ट, एनआरओ टेलीविज़न, टर्नर का एक साथ जाया करता था, वो अब एनआरओ का रिपोर्ट अलग से देना होगा एनआरओ टेलीविज़न वालों को, क्योंकि ये सेपरेट हो चुके हैं, दोनों कंपनी अलग अलग हो चुके हैं इस लॉकडाउन में। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पहले हम लोग जितने भी रिपोर्ट होते थे इंडिया कास्ट का जो फॉर्मेट होता था उसी फॉर्मेट में एनआरओ टेलीविज़न का भी रिपोर्ट दिया जाता था, लेकिन लास्ट मंथ से ये अपडेट हो गया है, अलग अलग दोनों डीपीओ हो चुके हैं, अलग अलग ब्रॉडकास्टर हो चुका है। तो गाइस जितने भी लोग रिपोर्ट भेजते हैं ब्रॉडकास्टर्स को, एनआरओ का भी अलग से रिपोर्ट भेजना पड़ेगा। साथ ही ये अलग होने का जो मेन रीज़न है, एनआरओ की जो टीआरपी है काफ़ी कम है, इसका सब्सक्राइबर बेस भी काफ़ी कम है इन चैनलों की, क्योंकि ये साउथ के ज़्यादातर चैनल्स है, तो साउथ में इसकी बेस्ट है व्यूअरशिप, बट रेस्ट ऑफ इंडिया में इसकी व्यूअरशिप काफ़ी कम होने की वजह से तो अर्निंग का रिसोर्स भी यहाँ कम हो चुका है, और इस लॉकडाउन में एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू भी काफ़ी कम होने की वजह से एनआरओ टेलीविज़न में भी ऐसा स्टेप लिया होगा। ये अपडेट आया था दोस्तों, उम्मीद है इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।